तीन तीन ग्रुप बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये शबाना जी, प्रोटेस्ट म्यूजिक इंटरनेशनल लेवल पर तो काफी बड़े पैमाने पर गाया जाता है, इंडिया में बहुत कम रहता है प्रोटेस्ट म्यूजिक। आप क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा मतलब इंडिया में ऑपरेस लोग तो बहुत ज्यादा है, मतलब गरीब दलित है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आना चाहिए। जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई थी वहाँ ये हमेशा माना गया था कि आर्ट को, कला को, शायरी को एक जरिया बनाना चाहिए सामाजिक बदलाव के लिए। हम लोग पले बड़े हैं पॉल रोब्सन की प्रोटेस्ट पोएट्री पर, हम लोग वाकिफ हैं कई ऐसे शायरों से जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है उन लोगों के लिए जिनको पूरी तरह से उनके हक नहीं मिले हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी शायरी है, कविताएं हैं, गीत हैं, लेकिन उनकी पहुंच लोगों तक इसलिए नहीं है कि आज तक उसको संजीदगी से कभी मार्केट नहीं किया गया है। व्योम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो मुझे यकीन है कि कामयाब होगा, क्योंकि ये सिर्फ उन मूवमेंट्स के लिए नहीं है बल्कि उस युवा की तरफ डायरेक्टेड है जो कि आज हर तरह की म्यूज़िक के लिए उसके कान खुले हैं। हमको ये बात को याद रखना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान जितना जवान है इतना इससे पहले कभी भी नहीं था। हमारी 50% आबादी 25 साल से कम की है। इस युवा पीढ़ी के लिए हम चाहते हैं कि इस तरह से फ्यूजन म्यूज़िक बनाकर एक ऐसी आवाज़ में और ऐसी धुन में जिसे वो पसंद करते हैं, ये जो बातें हैं जो सामाजिक हक की हैं, जो न्याय की हैं, जो उन वर्गों की है जिनको आज तक संघर्ष करना पड़ रहा है बराबरी के लिए, उन तक ये पहुंच सके। फोक म्यूजिक की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं गुम सा हो गया, तो इस तरीके से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि फोक म्यूजिक कहीं गुम हो गया है। हिंदुस्तानी म्यूजिक उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन जो भी तब्दीलियाँ आई हैं उसमें फोक म्यूजिक ने बहुत बड़ा हाथ लिया है। आप देखिए, जिस दौर में SD बर्मन थे तो हिंदी फिल्मों में फोक म्यूज़िक का बहुत यूज़ होता था। उसके बाद उनके बेटे आए RD बर्मन, उनसे कई डेकेड्स के बाद, लेकिन उन्होंने फोक म्यूज़िक का बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया है। सलील चौधरी ने फोक म्यूज़िक का इस्तेमाल किया है। तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि फोक म्यूज़िक गायब होती जा रही है। हाँ, आज का ये दौर है कि हर चीज़ को आपको एक नए तरह से पेश करना पड़ेगा, और तो फोक म्यूजिक इटसेल्फ लेंड्स इटसेल्फ टू कमिंग टुगेदर विद अदर फॉर्म्स ऑफ फ्यूजन म्यूजिक। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट फोक म्यूजिक। मैं जो हूँ हिंदी फिल्म के गाने सुनती हूँ जो कि पुराने गाने हैं, नए गाने बहुत कम सुनती हूँ। मैं बेगम अख्तर को सुनती हूँ, मैं किशोरी अमोनकर सुनती हूँ, मैं आबिदा परवीन को सुनती हूँ, और बीटल्स, क्लिफ रिचर्ड, जिससे आपको मेरी उम्र का एहसास हो रहा होगा, और जॉन बेस मुझे पर्टिकुलरली फोक सिंगर्स में बहुत पसंद है। शबाना जी, ये बताइए कि आपको लगता है इस म्यूजिक के जरिए या ऐसे फ्यूचर में अगर आते हैं तो मुमकिन हो सकती है? देखिए, हम सब लोगों ने ये सपना देखा है कि एक नई दुनिया को हम अपनी ही ज़िंदगी में मुमकिन बना सकेंगे। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें होनी चाहिए। उसके लिए एक मुझे लगता है कि जो शायरी है, जो संगीत है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मे भी इसके ज़रिए से बिल्कुल डायरेक्ट बदलाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने गाना सुना है और कल आप जो हैं बिल्कुल किसी मूवमेंट के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन शायरी में और पोएट्री में और संगीत में ये सेंसिटिविटी है कि वो आपकी मिट्टी को इतना गीला कर दे कि अंकुर कहीं ना कहीं फूटेगा।